हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस होम डिजाइन के फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में देखेंगे 6 बेडरूम का बेहतरीन घर का डिजाइन। जैसा कि यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, फ्रंट में काफी बेहतरीन पे डिजाइन किया गया है जो कि गांव के लिए एक बेस्ट डिजाइन आप इसे कह सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसका यहाँ पे आपको टॉप व्यू भी दिखाऊंगा, ऊपर से दिखाऊंगा कि किस तरह से कहां पे क्या चीज सेट किया गया है। उसके बाद दोस्तों यहां पे इसका नक्शा भी देखने वाले हैं। यदि आप भी इंटरेस्टेड हैं, देखना चाहते हैं तो पूरी वीडियो देखते रहिए। दोस्तों यदि आप भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख पाए। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये है उसका टॉप व्यू। यहाँ पे आपको दिख जाएगा किधर बेडरूम है, किधर सीढ़ी है, कहाँ पे टॉयलेट बाथरूम है। देख सकते हैं यहाँ पे सारे चीज़ यहाँ पे टॉप व्यू में आपको दिखने वाला है। उसके बाद इसका नक्शा देखेंगे, इसका साइज वगैरह क्या हमने दिया है, बेडरूम का साइज क्या है, किचन का साइज क्या है, वो सब आपको नक्शा में देखने को मिलेगा। तो चलिए इसको आप देख लीजिए, उसके बाद इसका नक्शा देखेंगे। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये है उसका नक्शा। इस नक्शे में सबसे पहले यहाँ पे एक पोर्टिको दिया गया है, इसे आप पोर्च भी कह सकते हैं, जिसका साइज यहाँ पे देख लीजिए, इसका 13 फीट 10 इंच बाई 15 फीट 5 इंच का लिया गया है। यहाँ पे कार वगैरह आराम से यहाँ पे खड़ी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, ये वाला जो अप लिखा हुआ है, यहाँ पे 2-3 स्टेप होगा, उसके बाद सामने डोर है और इस डोर से बरामदा में आ जाते हैं। बरामदा का साइज यहाँ पे 13 फीट बाई 8 फीट 7 इंच का दिया गया है। बरामदा के सामने एक गेस्ट रूम दिया गया है 14 फीट बाई 12 फीट का। उसके बाद इधर से अंदर आ जाते हैं, अंदर आने के बाद यहाँ पे देख लीजिए, इधर 14 फीट बाई 13 फीट का बेडरूम दिया गया है और यहाँ पे एक टॉयलेट कम्बाइंड बाथरूम दिया गया है जिसका साइज है 9 फीट बाई 5 फीट 6 इंच। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, ये वाला स्टेयर है यानी सीढ़ी है, इधर जो अप लिखा हुआ है, इधर से सीढ़ी पे चढ़ेंगे ऐसे करके फर्स्ट फ्लोर पे चले जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूं, ये जो सीढ़ी का स्टेप लिया गया है 3.5 फीट का बनेगा, इधर से भी 3.5 फीट का बनेगा। उसके बाद यहाँ पे एक काफी स्पेसियस लिविंग हॉल मिल जाता है जिसका साइज 13 फीट बाई 30 फीट 3 इंच का दिया गया है। उसके बाद सामने एक बेडरूम जिसका साइज 14 फीट बाई 12 फीट, इधर वाला बेडरूम का साइज है 14 फीट बाई 12 फीट। यहाँ पे सेम टॉयलेट बनाया गया है 9 फीट बाई 5 फीट 6 इंच का और इधर एक बेडरूम है 14 फीट बाई 12 फीट, इधर 14 बाई 12 का और एक बेडरूम मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, इधर से डाइनिंग हॉल में आ जाते हैं जिसका साइज 13 फीट बाई 11 फीट है और सामने एक पूजा रूम मिल जाता है जिसका साइज 8 फीट बाई 5 फीट का दिया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, डाइनिंग हॉल के सामने एक किचन दिया गया है जिसका साइज 14 फीट बाई 8 फीट 6 इंच का दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे जो ये डोर दिया गया है, ये आंगन में जाने के लिए दिया गया है, इधर भी काफी स्पेस है जिसके लिए यहाँ पे ये डोर दिया गया है, इस साइड में यहाँ पे निकल सकते हैं। और ये जो नक्शा बनाया गया है, ये वेस्ट फेसिंग के हिसाब से बनाया गया है, यानी ये पश्चिम फ्रंट में है, पीछे हो जाता है ईस्ट यानी पूरब, इधर नॉर्थ इधर साउथ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको बता दूं कि ये मकान बन भी रहा है, आपको मैं दिखाऊंगा किस तरह से यहाँ पे ये मकान कंप्लीट होता है, हमने ये डिजाइन किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे किस तरह का डिजाइन है, ये अभी काम चल रहा है, आपको मैं इसको दिखाऊंगा जैसे ही कंप्लीट होगा। मेरे चैनल से जुड़े रहिए, आपको कंप्लीट वीडियो देखने को मिलेगा जब घर इसका कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों यदि आप भी इसी तरह का घर का डिजाइन वगैरह मेरे से बनवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।